हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एक के अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, मैं अल्तमस खान लाया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। इससे पहले हम वीडियो को देखें, हमारे यूट्यूब चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि हम जो भी वीडियो भेजें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में हम कुछ मछलियों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही चौंका देने और शार्प मछली, बहुत ही शार्पेस्ट मछली जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं। तो फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर वन, ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला और पेरू में पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल एक प्रकार की मछली 400 से 650 वोल्ट तक की करंट पैदा कर सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इलेक्ट्रिक ईल के बारे में तो जानते होंगे, जो ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला और पेरू में पाई जाती है, जो कि 400 से 650 वोल्ट तक की बिजली पैदा कर सकती है। तो आप सोच सकते हैं, वो एक झटके में ही किसी भी इंसान की मौत कर सकती है। फैक्ट नंबर टू, ज्यादातर मछलियों के पूरे शरीर पर स्वाद तरंगिकाएं होती हैं, जो कि उन्हें स्वाद का अनुभव कराती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वो उन्हें स्वाद तरंगिकाएं उनको स्वाद का टेस्ट करवाती हैं कि उस चीज का कैसा टेस्ट है। फैक्ट नंबर थ्री, फैंग टूथ मछली, जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना हो, क्योंकि ये अभी अभी बिल्कुल रिसर्च की गई है। फैंग टूथ मछली केवल कुछ इंच लंबी होती है, जबकि इसके दांत आकार में मनुष्य के दांतों के बराबर होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो फैंग टूथ मछली है, इसके ये बहुत ही छोटी मछली होती है, बट इसके जो दांत के साइज यानी कि टीथ साइज होते हैं, वो ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य के जितने होते हैं। फैक्ट नंबर फोर, मुडिस कीपर एक मछली है, जो कि अपने अधिकतम समय पानी से बाहर रहती है और यह अपने पंखों पर चल सकती है। यह पानी से निकलते समय गलफड़ों में थोड़ा पानी लीज लेती है। यह अपनी गीली त्वचा के छेंदों द्वारा भी सांस ले सकती है। जी हाँ फ्रेंड, मुडिस कीपर एक फिश है, जो कि अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम आउट ऑफ वाटर यानी कि पानी से बाहर बिताती है, और ये अपने गलफड़ों में थोड़ा पानी भर लेती है और ये अपने स्किन के द्वारा हवा को अब्जर्व करती है। फैक्ट नंबर फाइव, फ्रेंड्स, फेफड़े के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि आपको पता है एक फेफड़ा मछली भी है। एक फेफड़ा मछली पानी से कुछ साल तक बाहर जीवित रह सकती है। एक फेफड़ा मछली के फेफड़े और गलफड़े दोनों होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो फेफड़ा मछली है, ये एक साल तक पानी से बाहर जिंदा रह सकती है, और इसके फेफड़े और गलफड़े दोनों होते हैं, जो कि और किसी मछलियों के नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर सिक्स, बिल्ली मछली। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्ली तो आपने सुना होगा, बट आपने आज तक सुना है बिल्ली मछली भी होती है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल होती है बिल्ली मछली। बिल्ली मछली 27,000 प्रकारों से स्वाद ले सकती है, जबकि मनुष्य केवल 7,000 तरीके से स्वाद का टेस्ट ले सकता है। तो आप सोच सकते हैं, इसके अंदर स्वाद लेने की क्षमता कितनी ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर सेवन, समुद्री घोड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, हॉर्स फिश जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, समुद्र घोड़ा मछली इकलौती मछली है जो कि बिल्कुल सीधे पानी में तैर सकती है। बाकी ऐसी कोई भी मछली नहीं तैर सकती है, बाकी सारी मछली टेढ़ी टेढ़ी तैरती हैं, बट ये मछली बिल्कुल सीधे सीधे पानी में तैर सकती है। फैक्ट नंबर एट, तो फ्रेंड्स, शार्क के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्या आपने व्हाइट शार्क के बारे में सुना है? नहीं ना, तो मैं बताता हूँ। महान सफेद शार्क जैसी मछलियां अपने शरीर का तापमान बढ़ा सकती हैं, ये उन्हें ठंडे पानी में शिकार करने में सहायता करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो सफेद शार्क नाम की मछली है, व्हाइट शार्क हम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है अपने आप। फैक्ट नंबर नाइन, अब तक की सबसे बुजुर्ग मछली ऑस्ट्रेलिया में फेफड़ा मछली है, जो कि 2003 तक 65 साल की आयु तक जीवित रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो फेफड़ा मछली होती है बहुत साल तक जीवित रहती है, बट इससे सबसे बुजुर्ग जो मछली है वो 65 साल तक जीवित रही है, जिसकी खोज 2003 में साइंटिस्ट ने कर ली थी ऑस्ट्रेलिया में। फैक्ट नंबर 10, मछलियों का जबड़ा उनकी खोपड़ी से जुड़ा होता है, इसलिए कई मछली अपने शिकारी को अपने जबड़े में दबोच लेती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ मछलियों के जो जबड़ा है वो उनके डायरेक्ट हेड में यानी कि सर में कनेक्ट होता है, इसी वजह से कई सारी मछलियां अपने मुंह से
यानी कि जबड़े से शिकार कर लेती हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारा फैक्ट अच्छा लगा, हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब, प्रेस कर दे बेल आइकन को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।